विस्तृत आकाश तले सुहानी धूप में चमचमाते जलाशय, क्रमबद्ध वृक्षों की छटाओं के साथ पर्वतों की लगती श्रृंखलाओं के क्षितिज तक मनोरम दृश्यों के बीच प्रकृति की गोद में आनंदमय मनुस्मृतियां संजोने के लिए पहुंची बोल हरियाणा की टीम। स्वावलंबी भावना से आधुनिक छत्र तानकर खाने पीने की छोटी छोटी स्वास्थ्यवर्धक चीजों से लेकर रैन बसेरे तक का पुख्ता इंतजाम इतिहास के पन्नों के ज्ञान के सहारे कर लिया गया। श्री राम का वनवास, राजा हरिश्चंद्र के जीवन का भटकाव, एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य का मिलन, अत्रेय ऋषि, वेदों की संरचना, वैज्ञानिक गतिविधियां, पाणिनि के शोध, आत्मिक और बौद्धिक वैचारिक क्षमता का मानव की आंतरिक संरचनाओं में समावेश, धमनियों पर आदान प्रदान और 84 लाख योनियों के प्राणों को संजोने का हर पहलू प्रकृति में सकारात्मक रूप से भरपूर मात्रा में मौजूद है। शीत हवाओं में अग्नि के ताप का सुकून, ग्रीष्म के लू के थपेड़ों में हिमपिंडों से आने वाली लहरों की सुखमय ठंडक खिलने पर मजबूर कर देती है। बसंत के मांगनहारों को जीवन दायनी ये मौसमिक गतिविधियां पुस्तकों में समाहित युग युगांतर ज्ञान की परिभाषाओं की ओर आकर्षित करती है। एकाग्रता और चिंतन के साथ ध्यान मग्न होकर स्वयं की अंतर आत्मा का विश्लेषण जीवन में हमें प्रकृति की तरह धैर्यवान और विनम्र बनाता है। घोर कंटकित पथ की चुभनों में साहस का मुख बितराने की ओर अग्रसर होती ये टीम जंगलों के जनजीवन से अनभिज्ञ, आकृतियों से वहां की गतिविधियों का अंदाजा लगा रही है। घने जंगलों से साए साए करती हवाओं के झोंके अंतर आत्मा को झंकृत करते चले जाते हैं। मानव प्रकृति की इस गोद में असीम सुख और मानसिक शांति का आनंद प्राप्त करता है। रंग बिरंगे पत्थरों के बीच नन्हे नन्हे कदमों से नदियों को पार करना बचपन की स्मृतियों को ताजा करता है। सृष्टि की सहस्र दीर्घ अर्थों वाली सूक्ष्म सूक्ष्म भूमिकाओं के बीच जल को स्थिरता प्रदान करती विशाल काय चट्टाने गर्भ में उठ रही भूख की आवाज को सुनने पर मजबूर करती हैं। तदोपरांत मानव शरीर की वेदना को सुनते हुए इन्हीं चट्टानों पर सभी साथी विश्राम कर भविष्य की नीतियों का ब्यौरा तैयार करते हैं।
कांच की तरह चमकते जल के ऊपर से परावर्तित होती सूरज की रश्मियों में हंसी ठिठोली को पर्वतों के बीच गूंज में स्वयं को श्रवण करने पर एहसास होता है कि मानव बाज की तरह भी जी सकता है और गौरैया की भांति भी गा सकता है। मौज मस्ती के साथ चेहरे पर रौनक लिए अद्भुत दृश्यों को नजरों में कैद कर लौट आते हैं जंगलों से बाहर, लेकिन हम साथ लाए हैं असीम ऊर्जा का भंडार, सकारात्मक सोच, जीवन पथ पर काम आने वाली कूटनीतियां। सहज और सदकर्मों पर जीवन पथ को संजोते हुए बोल हरियाणा इसी तरह सकारात्मक भूमिका निभाते हुए आप सभी के आशीर्वाद को पाने का इच्छुक है। जय हरियाणा, बोल हरियाणा।